नमस्कार, मैं सुष्मिता बिस्वा स्वागत करती हूँ आपका मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और तेजी से बढ़ते चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खबर है बैतूल से, जहाँ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राकेश सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत जिले में प्रभावशील लॉकडाउन के दौरान आमजन को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सहूलत दी है। इस दौरान दोपहिया चौपहिया एवं अन्य वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इस संबंध में जारी आदेशानुसार पानी की कैन, किराना, फल सब्जी की सप्लाई विक्रय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक की जा सकेगी। भोपाल हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप निर्बाध खुले रहेंगे तथा जिले के शेष पेट्रोल पंप दोपहर 12 से दोपहर 3 बजे तक ही खुले रहेंगे। समस्त गैस एजेंसियों अपने निर्धारित समय पर खुली रहेंगी। गोडाउन से गैस का वितरण नहीं किया जाएगा। जिले की समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानें प्रतिदिन दोपहर 12 से 3 बजे तक खुली रहेंगी। डॉक्टर के क्लिनिक एवं मेडिकल स्टोर, पशु चिकित्सालय में कार्य करने वाले कर्मचारी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। नगरपालिका, नगर पंचायतों की समस्त आवश्यक सेवाएं यथा साफ सफाई, वेस्ट डिस्पोजल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, पोस्टल सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। यह आदेश 23 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगा। बैतूल से प्रदीप डिगरसे की रिपोर्ट।